बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं विंटर हेयर केयर रूटीन, क्योंकि विंटर आ चुका है और बहुत ज्यादा ठंडी लगने लग गई है और मुंबई में भी बहुत ज्यादा ठंडी गिरने लग गई है। तो फिर मैं अभी से ही आपको बता दूं, मेरे बाल भी रुके सूखे होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपके भी रुके सूखे बाल होने लग गए होंगे। तो प्लीज मैं आपको कहूंगी कि अभी से ही अगर आप आपके बालों का ध्यान रखेंगे तो आप हेयर फॉल से बचेंगे। तो ये वाली वीडियो ना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एकदम सही जगह पे आए हो क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया और ये वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही लव हेयर के ऊपर वीडियोस बनाते रहती हूँ और ब्यूटी टिप्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहती हूँ। और मेरा सेकेंड व्लॉग चैनल है इंडियन ग्लैमर व्लॉग्स करके, वहां पे मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपके साथ करते रहती हूँ, व्लॉग्स बनाते रहती हूँ, चैलेंजेस करते रहती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है मेरा व्लॉग चैनल भी है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत जल्द वहां पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने वाले है, तो जाओ जल्दी से जाके वहां पे भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो ज्यादा देर बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस विंटर स्टार्ट हो चुका है और विंटर में अपने बालों का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताती रहती हूँ कि विंटर स्टार्ट हो चुका है तो विंटर में आपको हेयर ऑयलिंग अच्छे से करनी है। रात को सोने से पहले हेयर ऑयलिंग करो या फिर एक घंटे पहले तो भी अपने बालों को हेयर ऑयलिंग कर लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर को वॉश कर लो। हेयर वॉश करते वक्त आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है और वन वॉश इनफ होता है आपके बालों के लिए। सेकेंडली आपको यूज करना है हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर यूज कर दो तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। और हेयर कंडीशनर हमेशा आपके हेयर लेंथ पे लगाते हैं, ना कि हेयर स्कैल्प पे। इसी के साथ आपको हेयर सीरम भी यूज करना है विंटर में, बिकॉज आपके आपके फ्रिजीनेस को दूर करता है, आपके बालों में जितने भी स्प्रिकेंट्स है उसको ये दूर करता है। इसलिए आपको रुके सूखे बाल से अगर बचना है तो हेयर सीरम भी आपको लगाना है। और मैं आपको बता दूं हेयर सीरम भी आपके हेयर लेंथ पे भी लगाना होता है, ना कि हेयर स्कैल्प पे। अगर आप इन सारी चीजों को भी फॉलो कर लेते हो तो आपके बालों में आप अलग ही शाइन और चमक दिखेंगे और विंटर में होने वाले हेयर फॉल से आप भी बच जाएंगे। विंटर में आपके बाल बहुत ज्यादा रुके सूखे जल्दी हो जाते हैं, भले आप कुछ भी कर लो पर फिर भी आपके बाल बहुत ज्यादा रुके सूखे हो जाते हैं। तो मैं कहूंगी कि विंटर में एटलीस्ट 2 से या फिर 3 बार तो भी हेयर वॉश जरूर कर लो। अगर आप 3 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार तो भी हेयर को वॉश जरूर करो, क्योंकि आप अपने बालों को हेयर वॉश करते रहेंगे और आपके बालों का ख्याल रखते रहेंगे तो वो जो फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, स्प्रिकेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर हेयर ब्रेकेजेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि विंटर में ना आपके हेयर जो ब्रेक होते हैं वो स्कैल्प से ज्यादा मिड लेंथ से ज्यादा ब्रेक होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत होता है विंटर में। और विंटर में फ्रिक्शन को होने की वजह से आप जब बालों को कॉम करते हो तो बाल आधे हिस्से से ही टूट जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार तो भी हेयर को वॉश जरूर करना है। नेक्स्ट टिप है विंटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वुडन की कॉम जरूर यूज करो। यार बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको वुडन की कॉम मिल जाती है तो आप वुडन की कॉम यूज करना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है स्टार्टिंग में आप जब वुडन की कॉम यूज करते हो तो आपके बालों को सूट नहीं होता है, आपके बालों में एडजस्ट नहीं होता है, पर मैं खुद कई सालों से वुडन की कॉम यूज करते आ रही हूँ। अब मुझे हैबिट हो गई है वुडन कॉम की। प्लास्टिक की कॉम आप जितनी यूज करेंगे भले वो आप कंफर्टेबल होगा पर उससे बहुत ज्यादा हेयरफॉल आपको देखने मिलेगा, इसलिए वुडन की कॉम यूज करना स्टार्ट कर दो। हो सके तो नीम वाला वुडन कॉम यूज करना स्टार्ट कर दो, उससे आपको डैंड्रफ से आप उसे बच सकते हो और आपके बालों में फ्रिक्शन भी नहीं होगा जिसके वजह से आपके हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वुडन कॉम खरीद लो, मैं आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगी वुडन कॉम की, आप वहां से वुडन कॉम भी परचेस कर सकते हो। ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखने मिल जाएगा तो आप वहां से डायरेक्टली प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है विंटर में बालों को ज्यादा खुले ना रखो। मैं भी नहीं रखती, मैं तो बस घर में ही आपको दिखाने के लिए अपने बालों को खोलती हूँ, अदरवाइज मैं अपने बालों को बांध के ही रखती हूँ, क्योंकि इतने लंबे बालों को अगर मैं खुला रखूंगी विंटर में तो मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ने लग जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैं आपको भी प्रिफर करूंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कई सालों का एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप विंटर में अपने बालों को ज्यादा खुले ना रखो। जितना आप खुले
रखेंगे उतने आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको विंटर में जितना हो सके उतना बालों को बांध के रखना है। आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स यूज कर सकते हो, टाई कर सकते हो अपने बालों को, पोनी बना सकते हो, छोटे बना सकते हो। तो प्लीज आप अपने बालों को खुले ना रखो। नेक्स्ट टिप ये है कि आप विंटर में ना एटलीस्ट आधे इंच तो भी आप अपने बालों को कट करो, क्योंकि विंटर में आपको पता है कि स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि दो मुंह बालों की परेशानी हो जाती है और फ्रिजीनेस भी हो जाती है, जो कि हमारे हेयर के नीचे वाले हिस्सों में ज्यादा देखने मिलता है। तो आपको क्या करना है, घर पर ही आपके बालों को लेना है और आधा इंच आपके बालों को कट करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और ज्यादा बालों में स्प्लिट एंड्स भी नहीं दिखेंगे। और आपको तो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको ख्याल रखना है, अगर इस तरीके से आप ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और कैसे लगी ये सारे विंटर टिप्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन सारे टिप्स को प्लीज आप फॉलो जरूर करना, अगर आप मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स होंगे तो इन सारे टिप्स को फॉलो जरूर करेंगे। और मैं आपको दावा कर दूं कि ये सारे टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो आपको भी कई सारे फायदे आपको आपके बालों से रिलेटेड देखने मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं फिर से, मेरा सेकंड ब्लॉग चैनल इंडियन ग्लैमर ब्लॉग्स करके वहां पे बहुत सारे मेरे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं और बहुत सारा प्यार मुझे आप लोग दे रहे हो। और बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जा जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे सेकंड ब्लॉग चैनल की लिंक दे रखी है, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी देख सकते हो। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।